अब मैं कैंडिडेट तो नहीं बता पाऊंगी कि संबंधी कौन कौन थे, लेकिन इतने कार्ड जो है फिर ऑनलाइन करते हुए उन्हें एक्टिव मोड में सारी प्रक्रिया समझ गया मैं। प्रक्रिया में आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी प्रक्रिया सही नहीं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आंकड़ा सरकार के पास भी, क्योंकि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न लगाया और प्रश्न में उन्होंने पूछा है, तो भाई ये आंकड़ा भी तो हमारे पास होना चाहिए कि इतने राशन कार्ड निरस्त हुए, इसी जगह इतने नए चढ़े, वो संख्या तो होनी चाहिए, ये तो फिर प्रश्न ही अधूरा है। माननीय अध्यक्ष जी बता तो दिया, अभी उन्होंने बोला जो संख्या है, अभी तो उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कितने कार्ड, संसदीय कार्य मंत्री जी, वो मैं समझ गया जो उन्होंने कहा, मैं ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रक्रिया के तहत जो आपने अपने उत्तर भाषण में कहा है, तो स्वाभाविक बात है कि कुछ राशन कार्ड निरस्त होंगे, चाहे किसी की मृत्यु हो, क्या किसी के स्थानांतरण की वजह से, वो कितने थे, उसके सापेक्ष कितने नए लिए गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चलिए तो दोबारा बोलिए, कितने पात्र जो आपने ये कार्यक्रम किया था उसमें क्या हुआ, फिर से। माननीय अध्यक्ष जी पिछले 6 महीनों के अंतर्गत 3,437 राशन कार्ड जो है वो नए बनाए गए, जो किसी ना किसी इसी प्रकरण के राशन कार्ड सरेंडर किए गए थे, जिन्हें की बनाने का काम किया गया, जो कि अंत्योदय अथवा पीएचएच कार्ड धारक के रूप में माननीय सदस्य ऑनलाइन कर दिए जी। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो राशन कार्ड का जो इशू है, ये मैक्सिमम जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे इसकी बड़ी समस्याएं हैं। मैंने पूर्व में भी इसी संबंध में मैंने प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये है कि जैसे राशन कार्ड जो है ऑनलाइन नहीं है, खास करके जहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था ही नहीं है, उसकी वजह से कई बार जो है हमारे जो आयुष्मान कार्ड है वो राशन कार्ड के बिना नहीं बनता है। प्रॉब्लम कभी कोई बता के तो आती नहीं है, सो मेनी टाइम इट हैपन। प्रश्न पूछिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं वही प्रश्न ही कर रहा हूँ। जी जी जी। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट होते हैं, कोई सारी समस्या होती है, तो जो पेशेंट डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुँचता है तो हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के लिए या तो पहले नहीं बनाए, अगर आयुष्मान कार्ड बनाना है तो उसमें राशन कार्ड जो ऑनलाइन नहीं है, और उसके बिना जो है जो पेशेंट है उनका इलाज नहीं हो पाता है, कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप या तो विभाग को थोड़ा निर्देशित करें कि वो जाके आयुष्मान कार्ड जो अपने राशन कार्ड है उनको जो है ऑनलाइन करवाएं, या लोगों से डाटा कलेक्ट करें, क्योंकि गांव में जब हम जाते हैं, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा थी उसमें हम प्रत्येक गांव में गए तो सबसे ज्यादा यही समस्या आ रही थी, लोग यही कहते थे कि हमारा राशन कार्ड नहीं, लोगों को जो है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये समस्या आ रही है इसको कब तक जो है इसका निराकरण करना चाहिए, ऑफलाइन की जो प्रक्रिया, क्योंकि ऑफलाइन नहीं हो पा रहे हैं अब गांव में, कई ऐसे समस्या हो रही है कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहे, ऑफलाइन की कोई प्रक्रिया आप करेंगे, ऑनलाइन करने होगी, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पूरे प्रदेश में 23,61,484 कार्ड राशन कार्ड जो है वो एक्टिव मोड में है, ऑनलाइन मोड में है। इतने कार्ड के यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं तो बेशक चिंता का विषय कहा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि 23,61,484 कार्डों के आयुष्मान कार्ड बने होंगे, इसके अतिरिक्त क्योंकि आयुष्मान कार्ड का विषय आता है तो ये इतने ही पूरे प्रदेश में कार्ड धारक है, इनके आयुष्मान कार्ड निश्चित रूप से बने होंगे। इसके अतिरिक्त हम यदि आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं इसमें एक निवेदन करना, माननीय मंत्री जी निवेदन है, हो गया बैठिए आपका, हो गया निवेदन है।